क्योंकि ये समय हम सब के लिए बहुत ही एक कठिन समय कहूं और महत्वपूर्ण भी है कि देश में चल क्या रहा है, उसमें आपकी भूमिका क्या है, दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी जा रही है देश की, उसमें आप क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके नेता श्री राहुल गांधी देश की लड़ाई को दिल्ली में अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही नेता है जिस पे भाजपा पूरी तरह से हमलावर है। देश का कोई दूसरा नेता बताइए विपक्षी दल का जिसे भाजपा आरएसएस केंद्रीय मंत्रियों ने घेरा हो, नाम बताइए, है कोई दूसरा नेता जिसको रोज भाजपा के ट्रोल मंत्री या संसद के अंदर संसद के बाहर हर मौका ढूंढते हैं कि उन्हें घेरा जाए। श्री राहुल गांधी जी से संसद में लगातार भाजपा मांग कर रही है श्री राहुल गांधी माफी मांगे। श्री राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है और हमें भी विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर संसद के बाहर देश में विदेश में जो कुछ भी कहा है लोकतंत्र को लेकर वो सही है, हाँ या नहीं? लोकतंत्र की आवाज कुचली जा रही है या नहीं? उन्होंने कहा विदेश की धरती पर जाकर कहा, देश में G20 हो रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से बात नहीं कर रहा, G20 में क्या हो रहा है, एक देश दूसरे देश से बात कर रहा है। अगर मैं यहां आपसे कुछ भी अगर बात कर रही हूं आपको क्या लगता है सिर्फ इस चार दीवारी के भीतर के लोग सुन पा रहे हैं या पटना के ही या बिहार के ही या देश और विदेश में भी अगर आप लाइव कर रहे हैं फेसबुक ट्विटर पे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, तो कोई बाउंड्री रह गई है? मायने नहीं रखता आप कहां खड़े हैं देश या विदेश, मायने ये रखता है आप बोल क्या रहे हैं, क्या मुद्दा है, मुद्दा लोकतंत्र का है, संसद नहीं चलने दी जा रही, विपक्ष की क्या मांग है कि अडानी के महाघोटाले का जांच हो। मैं आपसे पूछती हूं आपने अगर कुछ नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, ईमानदार है और आपका दामन साफ है, आपको जांच कराने से आप डरेंगे? आप तो चाहेंगे मेरे ऊपर बहुत बड़ा दाग लग रहा है, जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी करिए ताकि मेरी साख मेरी छवि पर उंगली उठी है, मैं मांग करती हूं किसकी जांच हो। आप ऐसा करेंगे या नहीं, भागेंगे आप जान से भागेंगे? नहीं भागेंगे ना। लेकिन अडानी जी मोदी जी के परम मित्र हैं, 38 शेल कंपनियां, कितनी 38 शेल कंपनी में फर्जी कंपनियों के साथ करोड़ों का व्यापार जो अडानी को मिला है, वो विदेशी 38 फर्जी कंपनियां जो कागजों पर हैं, जिसपे देश के बैंकों का लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसकी जांच नहीं होने देना चाहते ये? हमारे कितने रक्षा के सौदे अडानी की कंपनी को दिए हुए हैं, रक्षा सौदे, और वो अडानी ने आगे किसको दिए हुए हैं, मॉरिशस की एक फर्जी कंपनी को दिए हुए हैं। हम कहते हैं जांच हो चर्चा हो, भाजपा उससे भाग रही है, आप भागने देंगे? संसद से भागेंगे तो कहां घेरेंगे, सड़कों पर घेरेंगे। कल राहुल गांधी जी कर्नाटका में थे, उसके बाद केरला पहुंचे, आज दिल्ली भी पहुंचे और उम्मीद की कि संसद सत्र में राहुल गांधी जी को अपना पक्ष रखने दिया जाएगा, लेकिन पक्ष नहीं रखने दिया जा रहा। ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं, हाँ या ना? जब आप किसानों के कृषि कानून लेकर आए, तालेबंदी थी पूरे देश में और कृषि कानून आ जाते हैं, देश के अन्नदाताओं से कोई किसी तरह की चर्चा नहीं आप करते हैं, उन पे कानून थोपते हैं, आंदोलन होता है दिल्ली की दहलीज पे, नहीं क्या हुआ, तानाशाह सरकार झुकी या नहीं झुकी, कदम पीछे लिए या नहीं लिए, कानून वापस हुए या नहीं हुए, और उसका श्रेय किसको जाता है, अन्नदाताओं के साथ उस राजनीतिक दल उनके नेताओं को जाता है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे जब तक तानाशाह सरकार झुक नहीं गई। ये आपकी जीत थी क्योंकि आप ठान कर गए थे कि हम तब तक किसान के साथ खड़े रहेंगे जब तक उसके साथ हो रहा अन्याय पर कदम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने ठानी हुई थी, हमने ठानी हुई थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे। मुद्दे बहुत से हैं, बिहार में आ रही हूं, कितने साल से बताइए कि बिहार में हमारी अपनी खुद की सरकार मुख्यमंत्री कितने साल पहले था, 5 साल पहले, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 35 सालों से हम सत्ता में नहीं है, फिर भी आप कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़े हुए हैं? आपका अगर कोई लालच होता, जो यहां पर मैं सुन भी रही थी
कि सत्ता में हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन बिहार के इस कमरे में बैठे एक एक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सलाम करती हूं कि आप सत्ता में नहीं है लेकिन कांग्रेस के साथ उसकी आवाज बनकर आप लड़ रहे हैं। यही से साबित होता है कि कोई लालच